नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। हैदराबाद में फलों के ठेले वाले ने भगवा ध्वज लगाया, मुसलमान को दिक्कत हुई, पुलिस को ट्विटर पर बुला लिया। पुलिस भी आई और कहा कार्रवाई होगी। नालंदा में भगवा ध्वज लगाने वाले 5 लोगों पर पुलिसिया केस बनाया गया कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। जमशेदपुर में दुकान के आगे भगवा पोस्टर पर राम शिव के चित्रों समेत हिंदू फल की दुकान लिखने पर केस दर्ज हुआ, क्योंकि किसी मुसलमान को दिक्कत हो गई थी। ये चंद उदाहरण हैं जो अब बढ़ते ही जा रहे हैं। एक पूरा गिरोह व्यवस्थित तरीके से हिंदुओं के प्रतीकों पर उसके सिर्फ हिंदू होने के कारण आक्रमण कर रहा है, क्योंकि इस देश में बलात्कारी और फसादी मुसलमान शासकों के समय से लेकर गांधी के दौर तक में जजिया और अब्दुल भाई को छोड़ दो के नाम पर हत्यारों को बचाने की कोशिशें होती रहीं। इसलिए हिंदुओं में हमेशा अपनी ही श्रद्धा प्रदर्शित करने में एक एक हीन भावना का दिखना आम हो गया। आप अपने कार्यालय ललाट पर तिलक लगा कर जाइए तो आपको मिलिटेंट हिंदू कहा जा सकता है, जबकि तिलक से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, अपनी आत्म शांति के लिए लगाया जाता है। आपके हाथ के कलावे से दिक्कत हो जाती है और आपको शायद मैनेजमेंट कह देगा ये सब डेकोरम के खिलाफ है। आपको भी लगेगा कि नौकरी करना ये सब छोड़ा जा सकता है। आप अपने 10 भाई बिरादर को नहीं लाते कि हमारे मजहब पर हमला हो गया। ये विक्टिम कार्ड खेलना हिंदुओं में न के बराबर दिखता है। जब तक वाकई परेशान ही न कर दिया जाए हिंदू बोलता तक नहीं। जब तक 2 साधु और 1 ड्राइवर भीड़ हत्या का शिकार नहीं हुए, लिंचिंग नहीं हुआ, हिंदू मुखर नहीं हुआ। मुसलमानों का चोर भी मरता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय खबर बनती है। गूगल पर मौलवी रेप टाइप करके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा कि कितनी खबरें हैं, कहाँ कहाँ से हैं। लेकिन न्याय सिर्फ कठुआ की बच्ची के लिए मांगा जाता है और उसके दरिंदे बलात्कारियों के हिंदू होने मात्र से वो एक धार्मिक अपराध बना दिया जाता है। पूरे हिंदू धर्म पर पाप का बोझ डालने के लिए अपराध में एक हिंदू का होना मात्र ही काफ़ी होता है। उसकी मंशा नहीं देखी जाती कि अपराध धर्म के कारण हुआ या उसके मर्द होने के कारण। खैर, मैं ऐसे गिनाता रहूँ तो बहुत समय व्यर्थ होगा। पिछले साल जून जुलाई में मुसलमानों से जय श्री राम कहलवाकर मारने पीटने की सारी घटनाएँ झूठ निकली, लेकिन कवरेज याद कीजिए कैसा था। जुलाई के बाद आए अगस्त में कांवड़ यात्रा पर मुसलमानों के इलाके में कितना पथराव हुआ उसकी खबरें भी सर्च कर लीजिए और उसकी कवरेज भी याद कीजिए। बहाने बनाए गए कि वो तो डीजे बजा रहे थे, जैसे कि डीजे बजाने पर मुसलमानों द्वारा पत्थर मारना जो जायज़ हो जाता है, संवैधानिक कार्य। आजकल नई नौटंकी चली है, भगवा झंडा लगा रहे हिंदू, ये गुंडागर्दी है, मुसलमानों को चिन्हित करना चाह रहे, उनका व्यवसाय बर्बाद करना चाह रहे। आप सोचिए कि किसी मुसलमान को आप टोपी लगाने पर गुंडा कह सकते हैं क्या? सोचिए कि मुसलमान नमाज पढ़कर आ रहा हो, आपने फोटो खींची और लिख दिया मुसलमान गुंडा हिंदुओं को डरा रहा है। भगवा झंडे को लेकर बिल्कुल वही हो रहा है। बेगूसराय के दलित सब्जी वाले ने अपने ठेले पर लगाया झंडा। उसने बोला कि हिंदू हूँ, लगाऊंगा। थूकने वाले कांड के कारण समाज के कई हिस्सों में लोग सब्जी वालों को शक की निगाह से देखने लगे, अतः वो नाम आदि पूछते हैं। इसी कारण उस लड़के ने भगवा झंडा लगाया ताकि उसे बार बार बताना ना पड़े कि वो कौन है, क्या करता है। इस पर मुसलमानों की गली में उसे भला बुरा कहा गया। आप इस बात को पलट दीजिए, मुसलमान सब्जी वाला टोपी लगाए सामान बेच रहा है और उसे हिंदुओं के मोहल्ले में उसकी टोपी के कारण लोग गाली देने लगे, धमकाने लगे और उसका वीडियो सामने आ जाए। एक मानव के तौर पर आपको निराशा होगी कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, लेकिन क्या बेगूसराय के उस लड़के के लिए वो निराशा आपको मीडिया में दिखी? इन सारी बातों से साबित यही होता है कि मुसलमान बस उंगली कर दे कि उसे दिक्कत है इस बात से, और जहां उसके तुष्टिकरण में लगी सरकार है वो हिंदू पर कार्रवाई करेगी, और मुसलमान इस बात का फायदा खूब ले रहा है। रांची में रहने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र बताते हैं कि झारखंड में मुसलमानों ने इस बात का खूब फायदा उठाया है। वो किसी भी बात की तस्वीर लेकर पुलिस को टैग कर देते हैं और पुलिस उसको आदेश आता है कि इस पर कार्रवाई करो। जमशेदपुर फल वाला जो था इसी कारण से केस का हिस्सा बना। भगवा झंडे से परेशानी हो रही है लोगों को। लंबे समय तक जमे रहने वाले सत्ताधीशों को जब यह समझ में आ गया कि एक मुश्त वोट पाने के लिए इस्लामी उम्मा की बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, तो उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों का तुष्टिकरण किया बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि मुसलमानों को मोर इक्वल ट्रीटमेंट मिले। कहने का तात्पर्य यह है कि अल्पसंख्यक शब्द सुनते ही हमेशा मुसलमानों की ही बात होती दिखती है। अल्पसंख्यकों पर हमला, अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं, ये सब आप जब सुनेंगे तो आपको मुसलमान ही दिखेगा, जबकि मुसलमान इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी। हिंदू इस देश के करीब 8 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन पर सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी केस पहुँचता है और जिसे नकार दिया जाता है।
जैन, बौद्ध, पारसी, सिख आदि असली अल्पसंख्यक समुदाय को आप शायद ही कभी अपने अल्पसंख्यक होने का विक्टिम कार्ड फेंकते देख पाएं। सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना करने वाले जनपद महाजनपद वाले इस राष्ट्र में दोबारा लोकतंत्र जब बहाल हुआ तो पश्चिमी देशों से आयातित विचारधारा के नेताओं के कारण ये भी मान लिया गया कि क्रुसेड लड़ने वाले ईसाई मुल्कों की तरह भारत में भी मुसलमान अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा, जबकि उन्होंने न तो निकट का इतिहास देखा न पुरातन, क्योंकि हिंदू न कभी आक्रांता बना है ना ही अपने ऊपर आक्रमण करने वाले तक को भगाया यहाँ से। मुसलमानों और अंग्रेजों ने इस देश पर हमला बोला, तबाही मचाए, अर्थव्यवस्था बर्बाद की, लेकिन हिंदू आज भी उनके साथ रहता है। इसके उलट बाकी मुसलमान राष्ट्रों में हिंदुओं की गिरती जनसंख्या इस बात का सबूत है कि मुसलमान मुल्क इस्लाम के अलावा कुछ और देखना ही नहीं चाहते। अगर संयुक्त राष्ट्र या मानवाधिकारों जैसी हास्यास्पद चुटकुलेवाद संस्थाएं हट जाएं तो 10 दिन नहीं लगेंगे मुसलमान मुल्कों को अपने देशों से वहां के अल्पसंख्यकों के सामूहिक नरसंहार करने में। हिंदुओं ने कभी भी किसी भी तरह का धार्मिक अत्याचार किसी भी दूसरे मजहब पर कभी नहीं किया। उसके उलट मध्ययुगीन इस्लामी बलात्कारी लुटेरों ने मजहबी अत्याचार के अलावा कभी कुछ किया ही नहीं। फिर भी आज तक हिंदू जबरन 5 बार अजान सुनता ही है, सड़कों पर होते नमाज को देखकर गाड़ी रोकता ही है, दुर्गा के विसर्जन की तारीख बदलता ही है। इन सब के बावजूद हमारे संविधान निर्माताओं को ये लगा कि हिंदू सर्वसमावेशी नहीं है, वो मुसलमानों को मार काट देगा, अत्याचार करेगा और अल्पसंख्यक आयोग की नौटंकी कर दी। नौटंकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे आयोग की स्थापना में ही एक अनकही अवधारणा होती है कि बहुसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ही करेगा। हिंदू ने कहाँ अत्याचार किया, किस मुसलमान राष्ट्र को छोड़िए टोले मोहल्ले से मुसलमानों को भागने पर मजबूर किया, ये बता दे कोई। उसके उलट इसी देश में मुसलमानों ने कश्मीर की 100% हिंदू जनसंख्या को कुछ 100 सालों में 4% में समेट दिया। अब क्या लगता है कि हिंदुओं ने बच्चा पैदा करना बंद कर दिया कश्मीर में या वहाँ से भाग गए? जी नहीं, सामूहिक नरसंहार हुए हिंदुओं के और 1989-90 वाला अंतिम था। कैराना मेरठ आदि के गाँव से हिंदू पलायन कर रहे हैं, ये घर बिकाऊ है, लिख यहाँ मुसलमान रहते हैं और उन्होंने हिंदुओं का जीना हराम कर रखा है, उनकी बहु बेटियों पर फप्तियाँ कसते हैं, ऐसी खबर दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में आई थी कि हिंदुओं की बच्चियों के सामने मुसलमान लड़के न सिर्फ नंगे होकर इशारा करते हैं बल्कि उनके कपड़े तक उतार लेते हैं। और आपको बनाया गया अल्पसंख्यक आयोग, पहले ही ये सोच लिया गया कि बहुसंख्यक है तो अत्याचार करेगा ही, क्योंकि अमेरिका में श्वेत बहुसंख्यक वही कर रहा था और पूरे यूरोप में ईसाई लोग यहूदी और मुसलमानों से सदियों से सतत युद्ध की स्थिति में थे। उन्हें लगा कि सभ्य समाज में सेकुलर होने की जरूरत है। हिंदू को सेकुलर होने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि उसने कभी नॉन सेकुलर दुष्कृत्य किए ही नहीं। ये काम मुसलमान और ईसाई आक्रांताओं का विशेषाधिकार रहा है। कायदे से देश को हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए बहुसंख्यक आयोग की स्थापना करनी चाहिए थी ताकि उसकी पीड़ा को विशेष ध्यान देकर समझा जा सके। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी राजनीतिक नीति बनाने से पहले आपके समक्ष ऐसे उदाहरण होने चाहिए जिससे साबित हो कि उस नीति की आवश्यकता है। विभाजन के समय की मार काट में दोनों ही तरफ के लोग थे, फिर ये क्यों मान लिया जाए कि हिंदू ही अत्याचार करेगा? उससे पहले जब अंग्रेजों ने दंगे करवाए तब भी दोनों तरफ के लोग अपराधी थे, फिर ये क्यों माना जाए कि हिंदू ही अत्याचार करे? क्या कहीं पर भी हिंदुओं ने किसी ट्रेन की बोगी में जा रहे 59 मौलवियों को आग से जलाया? क्या किसी हिंदू ने किसी मस्जिद को तोड़कर उस पर मंदिर खड़ी की? क्या किसी हिंदू ने भारत से बाहर आक्रमण करके देश पर कब्जा करने के बाद पूरी आबादी को जबरन हिंदू बनाया? जब इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं था तो फिर स्वतः संज्ञान लेने की ऐसी जल्दी क्या थी कि मुसलमानों के लिए एक आयोग अलग से बनाना पड़ा? मजाक की सीमा तो यह है कि कश्मीर में भी 4% में सिमटा हिंदू अल्पसंख्यक नहीं माना जाता क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर वो बहुसंख्यक है। कांग्रेस ने राजनीतिक दूरदर्शिता दिखाते हुए एक आबादी को अपने वोटों के लिए न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि मोर इक्वल ट्रीटमेंट देते हुए उन्हें इस स्तर पर पहुंचा दिया गया कि इस राष्ट्र में हिंदू दूसरे दर्जे का नागरिक है। 70 साल के इसी स्पेशल ट्रीटमेंट ने उन्हें इतना बलशाली बना दिया है कि उनके पास राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो या ना हो वो सड़कों पर अपना प्रतिनिधित्व स्वयं करने लगते हैं और उसका जोड़ किसी के पास नहीं। इनके नेता 100 करोड़ हिंदुओं को 15 मिनट में निपटाने की बात कर देते हैं और उस पर कुछ नहीं होता। ऐसे बयान बार बार आते रहते हैं लेकिन मीडिया को ऐसा नहीं लगता कि ये धमकी है, उकसाना है। शायद मीडिया भी यही समझती है कि उकसना भी मुसलमानों का ही विशेषाधिकार है, हिंदू का तो कुछ भी कर लो, सड़क पे तो वो आने से रहा। आहत होना भी मुसलमानों का ही विशेषाधिकार है,
और वो दोनों ही सूरतों में इसका प्रयोग कर लेता है। उसके मजहब पर टिप्पणी करो तब भी, अपने धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करो तब भी। मुसलमानों के आहत होने का कोई और अंत नहीं है। दिल्ली के दंगे भी वही करता है, तैयारी के साथ करता है, और फिर विचित्र तरीके से रोता भी है कि मुसलमानों के सफाई की बात हो रही थी, नरसंहार हो गया। फैसल फारूक के स्कूल की छत हो या फिर आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के छत घर की छत, हर 15 घर की छत पर गुलेल, पेट्रोल बम, एसिड की बोतलें, मस्जिदों की छत पर पत्थरों का ढेर, फिर भी मुसलमान रो रहा है कि हिंदुओं ने दंगा किया। सोशल मीडिया का दौर ना होता तो ये भी गोधरा की तरह हिंदुओं के सर पर ही डाल दिया जाता, भले ही 59 कारसेवकों को जलाने का घिनौना काम समुदाय विशेष ने किया। मुसलमानों की यही दिल को दीवाना बनाने वाली अदा जो है आज हमें जमशेदपुर, नालंदा, बेगूसराय से लेकर हैदराबाद तक दिख रही है कि वो भगवा झंडा देखते ही परेशान हो जाते। आप भला सोचिए कि झंडे से किसी को क्या परेशानी होगी। चूंकि उम्मा की भाषा और राह पर चलने वाले मुसलमानों की अधिकता है दुनिया में, जो खुलकर कह सकते हैं कि राष्ट्र और इस्लाम में चुनना पड़ा तो इस्लाम को चुनूंगा, वैसे में हिंदू इनके गजवाए हिंद की राह में तो मोहम्मद बिन कासिम के समय से बैठा हुआ है, तो समस्या तो होगी। इसलिए भगवान हनुमान का स्टिकर मिलिटेंट हिंदुइज्म हो जाता है। राम के हाथ का धनुष कभी इन्हें हिंसा को बढ़ावा देने वाला लगने लगेगा। फिर कहेंगे कि दुर्गा के हाथों से शस्त्रास्त्रों को हटाकर फूल पत्तियां दे दो, चांद तारा दे दो तो और भी अच्छा, हिजाब पहना दो तो और बेहतर, बुरके में दिखा दो तो गाल पर गीली पप्पियां ही ले लेगा कट्टर मुसलमान। कमाल की बात देखिए कि यहाँ मूर्तियों के हाथों में अस्त्र है, चित्रों के चेहरे पर रौद्र भाव से वो मिलिटेंट प्रवृत्ति का हो जाता है, लेकिन इन्हीं कट्टर मुसलमानों को दुनिया के हर शहर में पूरे देह पर बम बांधकर फटने वाले मुसलमानों को आतंकी कहने में अभी तक दर्द होता है। चित्र में चेहरे के भाव और जमीन पर लाशों के ढेर पर टुकड़ों में बिखरा मुसलमान, ज्ञानी लोगों के लिए चेहरे का भाव ज़्यादा खतरनाक है। ये मजाक नहीं है। इन्होंने अंग्रेजी के हिंदुइज्म को सही माना है और उसके हिंदी अनुवाद हिंदुत्व को आतंकी कह दिया है। ये मूर्खता है या धूर्तता, ये समझने में समय लग जाएगा। ईद में सेवई की खीर मांगता हिंदू असली हिंदू है, उसने घर पर भगवा झंडा लगा लिया तो वो मिलिटेंट हो जाएगा। दिवाली पर पटाखों से होने वाली आवाज़ से जानवरों को हो रही परेशानी पर यही मुसलमान और उसके हिमायती लंबे ज्ञानवर्धक पोस्ट लिखते हैं, बकरीद पर कटते जानवरों से कोई समस्या नहीं। अरे वो तो मर ही गया, अब कष्ट कैसा, असली कष्ट तो जिंदा होकर पटाखे सुनने में। बात भगवा झंडे या रंग की नहीं, बात यह है कि सामाजिक बहुसंख्यक होने की परिणति जब दो बार राजनीतिक बहुसंख्यक होने में दिखी है और कुछ लोगों को लग रहा है कि उनके शारकीय शक्ति प्रदर्शन का युग हाथों से चला जाएगा कुछ सालों में, तो कम होते तेल वाले दिए की फड़फड़ाती लौ की तरह वह और भी मुखर हो चले। अब लक्ष्य स्वयं की शक्ति को दिखाने भर का नहीं है, अब हिंदुओं पर वैचारिक धावा बोलने का है कि तुम्हारा अस्तित्व मात्र ही इस दुनिया के लिए हानिकारक है, दुनिया के लिए। वैसे हम सब जानते हैं कि वो मजहब कौन सा है जिसके आतंक का ताप हर देश का हर शहर झेल चुका है, जहाँ ये हैं या नहीं। यही कारण है कि इनकी मुखरता अपनी टोपी कसकर पहनने और सड़कों के नमाज से आगे लॉकडाउन में भी मस्जिदों को आबाद करने से लेकर अब हिंदुओं के दुकानों के नाम उनके ठेले के झंडे तक पहुंच चुकी है। ये अभी कुछ दिन और चलेगा, क्योंकि दुर्भाग्य से तुष्टीकरण कुछ जगहों पर चल ही रहा है, वहाँ के हिंदू अभी भी राजनीतिक रूप से सो ही रहे हैं। बात भगवा झंडे की नहीं है, बात अनुच्छेद 370 से शुरू होकर अयोध्या विवाद और चोर लुककर घुसपैठिया मुसलमानों को यहाँ से निकालने वाले NRC और CAA तक पहुँच चुकी। यही तो कारण है कि कानूनी रूप से जितने मुसलमान यहाँ हैं उससे कहीं ज़्यादा होने का क्लेम इनके नेता लोग करते हैं। 2 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान हैं इस देश में और वो दीमक हैं, उनको कीटनाशक डालकर बाहर निकालना चाहिए और फिर अपने देश वापस भेजने की तैयारी होनी चाहिए। इसलिए पाकिस्तानियों के लिए जासूसी करने से लेकर भारत में बम फोड़ने वालों को बाहर निकालने के लिए कानून आया तो आतंक के हिमायतियों की सुलगने लगी। वो परेशान है कि गजवाए हिंद की राह में ये लोकतंत्र कैसे आ गया। अभी तक तो बलात्कारियों और लुटेरों को ताजमहल निर्माता बताकर, भारत की रक्षा करने वाला बताकर मुगल सल्तनत पढ़ाते रहे। कुछ दिनों में कश्मीर से संस्कृत को गायब कर उर्दू पहुंचाने की तरह भारत में भी वही होने वाला था, लेकिन ये तो CAA आने से गड़बड़ हो गया। इसीलिए दोनों तरफ से संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार और उसके समर्थकों पर नाजायज हमले हो रहे हैं। भगवा रंग से आपत्ति हो रही है, ट्विटर पर पुलिस संज्ञान ले रही है और कोई भी वीडियो बनाकर बता रहा है कि उस हिंदू ठेले वाले के हिंदू प्रतीक ध्वज के इस्तेमाल से उसकी भावनाएं आहत हो रही।
हिंदू इस तरह से हीन भाव में जीता रहा है कि एक बार उसे भी लगने लगता है कि यार क्यों लगा दिया भगवा झंडा। हिंदू स्वतः बैकफुट पर आ जाता है कि जरूर हमने ही गलती की होगी। 400-500 सालों का आतंकी सेकुलरिज्म यही तो है कि जिस धरती के लोगों ने लुटेरे मुसलमान आतंकियों अंग्रेज चोरों को बसने दिया, वो अब हिंदुओं को इसलिए सजा दे रहा है कि तुम्हारे पास मौका तो था, तुमने मुसलमान आक्रांताओं की तरह सत्ता हासिल करते कत्लेआम क्यों नहीं मचाया। अरे भाई, हिंदू गाय पालने और मंदिर में पूजा की घंटी बजाने से आगे गया ही कब। हमारे अखाड़ों के शस्त्र परंपरा को पानी कर ही दिया गया, गुरुकुल तबाह कर दिए गए, संस्कृति पर सतत हमले हुए, विश्वविद्यालयों को आग लगाया। हिंदू तो बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर रटने में व्यस्त रहा और अपने आराध्य को टेंट से निकालने में उसे 7 दशक लग गए। हम कहाँ जाकर हमला करते, कभी किया ही नहीं, जबकि ईसाइयों और मुसलमानों का पूरा इतिहास रक्त रंजित रहा है। मजहब की आड़ में एक प्रसारवादी साम्राज्यवादी सोच के साथ इनके लुटेरों की फौजें 1000 सालों से योजनाबद्ध तरीके से उपनिवेश बनाने से लेकर पूरे राष्ट्रों को मजहब बदलने पर मजबूर किया। हिंदू प्राचीन भारत की सीमाओं से बाहर गया ही नहीं, कहीं भी धर्म परिवर्तन का जिक्र नहीं, किसी राजा ने जीते हुए साम्राज्य के पवित्र स्थलों को तोड़ा हो ऐसा भी नहीं दिखता। राजाओं ने जीते हुए क्षेत्रों पर राज किया, प्रजा के इतिहास को मिटाने की कोशिश नहीं की, उनकी बच्चियों का बलात्कार नहीं किया। इसलिए वो अपने ही धर्म का अनुयायी होने पर उसी के प्रतीकों के इस्तेमाल पर स्वयं पर संदेह करने लगता है कि पूजा करना गलत तो नहीं, कलावा लगाना गलत तो नहीं, रोली चंदन अक्षत को ललाट पर धारण करना गलत तो नहीं। यज्ञ की अग्नि की ऊपरी लव का रंग होता है भगवा, बीच का पीला नीचे लाल। यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती हैं, त्याग किया जाता है। अग्नि स्वयं तो पवित्र है ही, बल्कि अपने संपर्क में आने वाली वस्तुओं को भी पवित्र करती है। अग्नि ऊर्जा है, हर पवित्र मंगलकारी कार्य की जड़ में अग्नि किसी न किसी रूप में स्थित होती है। भगवा रंग उसी अग्नि के रूप का परिचायक है, भगवा उसी त्याग का प्रतीक है जो यज्ञ कुंड की आहुति होती है। भगवा वस्त्र वही धारण करता है जिसने सब कुछ त्याग दिया हो। कुछ साधु जो शिष्यादि हैं वो पीला वस्त्र पहनते हैं, भगवा वही धारण करते हैं जिन्होंने सांसारिकता का त्याग कर दिया है और सिर्फ समाज राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित है। भगवा झंडा उसी पवित्रता का प्रतीक है, भगवा रंग अग्नि के उसी भाव का प्रतीक है। इसलिए सनातन आस्था से जुड़े हर धर्म में, सिख बौद्ध जैन आदि में भी इस रंग का स्थान सर्वोच्च है। ध्वज का होना हिंदुओं को अपने संतों की याद दिलाता है जिन्होंने सहस्त्रों वर्षों से इस भारत भूमि और सनातन परंपरा को बचाए रखा, जो हमारे आज के लिए पूर्व में स्वयं को बलिदान कर गए। इसलिए यह रंग किसी की आंखों को चुभता है तो समस्या उसकी है, यह उसकी दुष्टता और नीचता है कि उसे हमारे धर्म के प्रतीक चिन्हों से घृणा है। वो अत्यंत ही अधम श्रेणी का जीव है जिसे दूसरे मानव की आस्था से समस्या है। इन्हें आम जनता ही जवाब देगी और वही प्रतिकार भी करेगी, वही इनके अपराधों की याद भी दिलाएगी। हिंदू हमेशा थोड़ा लंबा रास्ता लेता है, कुछ लोग दंगों के छोटे रास्ते से चलते हैं। वो भले ही बाबरी मस्जिद में कुछ साल नमाज पढ़ लें, लेकिन रामलला तो अपने ही जन्म स्थान में जाएंगे। लोकतंत्र का ही प्रयोग कर अगर पुलिस आज भगवा झंडा लगाने पर केस दर्ज कर रही है तो यही पुलिस उसे वापस भी लेगी, क्योंकि उसके हाथों को बांधने वाले नेता अनंत काल के लिए नहीं है। यही भ्रम चोरों के खानदान को भी था, वो आजकल क्षेत्रीय पार्टियों के साथ किसी भी तरह गठबंधन करके केंद्रीय सत्ता में आने का स्वप्न कुछ ऐसे ही देख रही है जैसे गिदर गिदरी का एक जोड़ा पंचतंत्र की एक कहानी में एक सांड के पीछे इस लालच में चल रहा था कि उसके मांसल अंडकोश कभी तो जमीन पर गिरेंगे और वो कभी तो उन्हें खा पाएंगे। गिदर गिदरी भूख से मर गए। नमस्कार।